राखी सावंत के ससुराल वालों से गुहार, मत तोड़ो मेरा घर परिवार। आदिल मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं आदिल से बहुत प्यार करती हूँ। तो उनके मैसूर में ही कुछ लोग हैं जो उनको चढ़ा चढ़ा के उनको वापस मैसूर बुला लेना चाहते हैं। उन्हें मैं नहीं बताना चाहती हूँ, पैसों का लालच देकर मेरा आदिल कभी किसी पैसों के लालच में नहीं आता। राखी बनने वाली थी माँ, लेकिन एक्ट्रेस हुई मिसकैरेज का शिकार। मेरा गुड न्यूज में मेरा बैड न्यूज बन गया है मेरा। थैंक यू। एक बार फिर पेपराती के सामने रोती बिलखती दिखी राखी। वो आदिल के बच्चे की माँ बनने वाली थी, लेकिन अब उनका मिसकैरेज हो गया है। उनका गुड न्यूज बैड न्यूज में बदल गया है। मेरी शरीर पे हेल्थ में आपको नहीं बता सकती क्या हो रहा है। मेरा गुड न्यूज में मेरा बैड न्यूज बन गया है मेरा। थैंक यू। आदिल से शादी के बाद राखी का सपना था कि उनका परिवार बढ़े, लेकिन राखी की खुशियों को किसी की नजर लग गई। आपको बता दें, राखी ने बिग बॉस मराठी में भी कहा था कि वो माँ बनने वाली है। तब लोगों ने सोचा था कि राखी का एक और नामा है, लेकिन एक्ट्रेस का ताजा बयान सुनकर लगता है कि वो सचमुच माँ बनने वाली थी। एक तरफ उनका आने वाला बच्चा नहीं रहा, तो वहीं ससुराल के लोग राखी को बहू मानने को तैयार नहीं है। क्या नसीब लेकर पैदा हुई हूँ मैं, शादी करके भी चैन नहीं है। एक्ट्रेस को डर है कि ससुराल वाले उनकी शादी तोड़वा देंगे, उनके पति आदिल को वापस मैसूर बुला लेंगे। आदिल के परिवार वाले बार बार फोन करके उन्हें वापस मैसूर बुला रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आदिल को फोन कर करके मुझसे जुदा करना चाहते हैं। कहीं के नहीं, सिर्फ मैसूर के लोग हैं। आदिल से निकाह के खातिर राखी ने अपना धर्म बदल लिया, उन्होंने कलमा पढ़ लिया, अब वो नमाज भी पढ़ने लगी हैं, लेकिन शादी टूटने का डर उनको सता रहा है। बुरखा पहना है, दैट इज फॉर श्योर, बिकॉज मेरी शौहर मुस्लिम है तो मेरा फर्ज बनता है। मैंने कलमा पढ़ा है तो मेरा फर्ज बनता है नमाज पढ़ना। मैं अपने गॉड को भी प्रे करती हूँ और नमाज भी पढ़ती हूँ। मैं जीसस को भी मानती हूँ, अल्लाह को भी मानती हूँ। मुझे इससे कोई मेरा खुदा रोक नहीं सकता। मैं आपसे मैसूर वालों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, मुझे और आदिल को जुदा ना करे प्लीज। राखी सावंत की माने तो उनके ससुराल वाले पैसों का लालच देकर उन्हें मैसूर बुलाना चाहते हैं। राखी के माने तो आदिल और वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनके ससुराल वाले दोनों को जुदा करने पर तुले हुए हैं। लेकिन कुछ लोग आदिल को फोन कर करके मुझसे जुदा करना चाहते हैं। कहीं के नहीं, सिर्फ मैसूर के लोग हैं। आपको बता दें, राखी और आदिल की कहानी साल 2022 के फरवरी महीने से शुरू हुई थी। राखी ने वीडियो शेयर कर बताया कि उन्हें एक फैन ने BMW कार गिफ्ट की। धीरे धीरे उनका वो फैन बॉयफ्रेंड बन गया और फिर राखी ने आदिल के बारे में सबको बता दिया। राखी सावंत और आदिल ने मई 2022 में शादी भी कर ली। आदिल की खातिर राखी ने धर्म बदल लिया और वो फातिमा बन गई, नकाब में नजर आने लगी, सोशल मीडिया पर इस्लामिक पोस्ट शेयर करने लगी। हालांकि आदिल से अपना निकाह राखी ने 7 महीने तक छुपाया, क्योंकि उनकी बहन की शादी होने वाली है। लेकिन 11 जनवरी को राखी ने अपनी शादी की तस्वीरें शेयर कर अपने निकाह का ऐलान कर दिया। राखी को यह डर था कि उनके ससुराल वाले उन्हें बहू नहीं मानेंगे, यही वजह है उन्होंने अपने सीक्रेट निकाह को पब्लिक कर दिया। पहले तो आदिल इस शादी से मुकर गए थे, लेकिन राखी के मुताबिक जब सलमान खान ने आदिल को फटकारा, तब मीडिया में आकर उन्होंने शादी कबूल कर ली। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।